हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो फिर आप लोग के मेरे पास काफी ज़्यादा डाउट्स आते हैं कि सर टीचर्स करेंटली हायरिंग बट नॉट गेटिंग अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन हाउ टू अप्लाई इन टी सर आई ऑलरेडी रिटर्न माई टीचर्स एनक्यूटिंग इन लास्ट टू लास्ट टू ईयर बट आई आई डॉन्ट गेट एनी इंटरव्यू मेल आफ्टर राइटिंग माई पेड क्यूटी, और यू कैन से फ्री एंड क्यूटी अब फ्री एन क्यूटी के हायरिंग कौन से देखने को आ रहे तो तो थे फिर बता दो तो फ्री एंड क्यूटी के जो हायरिंग थे फिर बेसिकली वो आपके हायरिंग थे जो आपको वॉक इन ड्राइव देखने को मिले थे बी एस सी बी एस सी वालों को तो जिन जो लोग भी लाइक बी एस सी बी एस सी वाले थे जिन उन्होंने अपना वॉक इन ड्राइव के लिए अटेंड करा था उन लोगों के पास भी काफी लोग अपलाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहे थे तो बेसिकली हम लोग स्टूडियम बात करेंगे हाउ यू कैन गट दी अपलाई फॉर अ ड्राइव ऑप्शन जैसे आपको पता हो जब भी हायरिंग करती है तो हायरिंग के लिए आपका अप्लाई फॉर ड्राइव करना आपके पोर्टल पे ये मैंडेटरी होता है अगर आप लोग अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है इट यू आर नॉट यू आर नॉट इट बी द पार्ट ऑफ द टीचर्स करेंटली हायरिंग प्रोसेस मान लो कि टीचर्स अभी हायरिंग कर रही है मई में मान लो जून में हायरिंग कर रही है ठीक है अब ये पेड क्यूटी। आप अब लोग पेड एंडी में आप लोग देखो फ्रेंड यूट्यूब पर लगभग 98 परसेंट यूट्यूबर ऐसे हैं जो बोलते हैं कि पेड एंडी से चीजे हायरिंग करती है और दो परसेंट में मैं एक मैं आता हूँ और भी एक दो होंगे ऐसे जो मेरा कॉपी में वीडियो बनाते हैं वो लोग भी बोलते हैं कि हायरिंग नहीं होता बट यू कैन ट्राई यू कैन ट्राई ठीक है तो देखो होता है क्या है बेसिकली जो ये जो चीज फेल रहा है ना यूट्यूब पर देखो मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करता हूँ फ्रेंड ठीक है देखो और अभी क्या है यूट्यूब पर यूट्यूबर है ठीक है अब यूट्यूबर को मिलते हैं स्पॉन्सरशिप उस स्पॉन्सरशिप के लिए टॉपिक चाहिए बहुत बढ़िया तो उसके लिए TCS इन्फोसिस विप्रो के टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो लोग उस पर लिख तो देते हैं कि TCS हायरिंग कर रहे फ्री हायरिंग आ चुकी है फ्री एंडी अनाउंस हो चुका है इट अब उसके अंदर बस वो एक मिनट का वीडियो होता है पेड एंडक्टी को लेकर और सात मिनट का वीडियो होता है पे आफ्टर प्लेसमेंट जॉब दो पैसा दो जॉब देंगे ये दो वो देंगे ये वो ये वो मतलब एक स्पॉन्सर्ड चलता है मतलब एक एड चलता है उस पर लेकिन अब टॉपिक तो बढ़िया है टीसे हायरिंग कर रही है आप लोग वीडियो पर क्लिक करते हो नॉट फॉर गेटिंग अ प्ले आफ्टर प्लेसमेंट या फिर कुछ भी स्पॉन्सर देखने के लिए आप किसी वीडियो क्लिक नहीं करते सोचो यार सच में इतने बड़े यूट्यूबर है तो शायद फ्री एंड क्यूटी को लेकर ही बताया गया होगा आप लोग उसकी वीडियो पर क्लिक कर देते हो आप फिर आप में जिनको पता नहीं होगा जो आई थिंक विलेज साइड से रहते हैं उनका नॉलेज वगैरह नहीं होगा उतना तो वो क्या करते अपने पापा से पैसा डिमांड करके ट्रिपल लाइन का पैकेज खर्च के पैर एनक्टी परचेज करके लिख देते हैं उसके बाद उसका लाइफ उनका पहले से खराब था और भी खराब हो जाता है तो पॉइंट इज दैट अगर मैं आप लोगों को क्लियरली से बता दूँ फिर अपलाइफ ड्राइव का ऑप्शन आपके पास तब तक नहीं आएगा जब तक टीचर्स खुद फ्री इनक्टी या फिर हायरिंग का अनाउंस ना करें गॉट इट मतलब कि अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन आप लोग कितना भी ट्राई कर लो मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा आप लोग वो ट्राई कर सकते हो कि अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा और वो भी केवल कुछ लोगों के लिए होगा जिनका टीचर्स करेंटली हायरिंग कर रही है ठीक है सभी के पास अप्लाई फॉर ड्राइव ऑप्शन नहीं है आपको कुछ भी करो नहीं आएगा लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा ठीक है बने रहना मैं आपको बताऊंगा नॉट गेटिंग अप्लाई फॉर ऑप्शन एंड बेस्ट मस्ट वॉच में डिस्कस करेंगे और तो फिर अभी ट्वेंटी फोर बैच का जो रिक्वेयरमेंट हो रहा है एंड क्यूटी से जितने लोगों ने अपना एक्ट क्यूटी एग्जाम दे रखा है जिनका लगता है कि मैं स्कोर काफी अच्छा आने वाला है तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को ट्राई करना क्योंकि नाइनटी नाइन तो परसेंट इंटरव्यू में नहीं आएगा एक परसेंट चांसेस तक इंटरव्यू में आएगा आपको उस एक के लिए मैं आपका हेल्प करूंगा कि उस एक में आप लोग कैसे हो सकते हो कि आपके पास टीसीएस टीम की सबसे एक बार इंटरव्यू में देखने को मिल जाए हैविंग मल्टीपल टीसीएस नेक्स्ट स्टेप अकाउंट मस्ट वॉच अगर आपके पास डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट्स हैं मेरे पास 11 टीचर अकाउंट है नेक्स्ट स्टेप अकाउंट है ठीक है है मेरे पास ठीक है तो आप लोग जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता होगा कि मेरे मेरे पास छः से सात लेटर टीचर्स के थे मेरे पास ठीक है मैं पांच बार इंटरव्यू दे चुका हूँ क्योंकि मैं डिफरेंट डिफरेंट अपना अकाउंट बनाकर आप लोग की वीडियो मैं पहले बनाता था तो उसमें अपलाई कर देता था और मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो भी जाता था ठीक है और इसलिए मेरे पास मैंने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए थे और सर डिफरेंट अकाउंट है कुछ प्रॉब्लम होगा दरज इज नो दो इज नो प्रॉब्लम मेरे मल्टीपल अकाउंट्स बट मुझे बट मुझे मेरे पास अभी तो कोई मेल नहीं आया कोई कॉल नहीं आया कि पप्पू यू है मल्टीपल तो अकाउंट प्लीज डिलीट वन ऐसा कुछ भी मेल नहीं आया और मैं जब दूसरी तीसरी बार इंटरव्यू दिया था उन्होंने चेक भी नहीं करा कि मेरे पास मल्टीपल अकाउंट्स है आई ऑलरेडी हैव ए ऑफर लेटर आप बोलोगे सर आपने इंटरव्यू क्यों दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता था ठीक है टीचर्स मेरा लास्ट ऑप्शन है बट राइट नाउ आई एम नॉट आई एम नॉट प्लानिंग टू गो विद द टीचर्स ठीक है चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको अपलाई फोर ऑप्शन आ सकता है उन वन में अगर आप लोग लाइक करते हो तो ठीक है देखो पहले आपको आ जाना है आपका नेक्स्ट पोर्टल पे ठीक है आप लोग फिर जब आपने आए ट्रैक पे ट्रैक मा एप्लीकेशन पे फिर आप लोग देखोगे तो आपका कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन केवल शो करेगा उसके बाद आपका कुछ भी शो नहीं करेगा ठीक है अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आपका सभी का हट चुका होगा जिन्होंने टीसीएस आई टीपी के लिए अप्लाई कर रखा था ऐसा आप लोग पता हो फिर टीसी आई एग्जाम अभी नहीं होने वाला है तो जिस कारण से टीसीएस ने खुद अपना नेक्स्ट जो अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन जब टीसीएस ने आई को अनाउंस करा था उसमें आप लोग सभी के पास अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ रहा था आप लोगों से सभी लोगों ने अप्लाई फॉर ड्राइव करा था फिर आफ्टर

नहीं, आपको यहाँ पर कैटेगरी चूज कर लेना होगा आपको यहाँ पर एनक्यूटी आई डी मैं जो बता रहा हूँ फिर आप लोगों को सेम ये आपको डालना है एनक्यूटी आई डी आपको अपने स्कोर कार्ड में मिल जाएगा एनक्यूटी आई डी ठीक है आपको इसके बाद आपको अपना डालना पड़ेगा फिर सीआई सी डी जो आपको ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया डाल ओके उसके आपको मेंशन करना है कि आपने एग्जाम कब लिखा था आपका स्कोर कितना आया है और स्कोर का एक स्क्रीनशॉट शॉट यहाँ एड करना होगा दैट आई एम गेटिंग दिस परसेंट ऑफ स्कोर सो व्हेन आई सपोज टू रिसीव माय टीचर्स इंटरव्यू मेल बिकॉज आई क्वालिफाई माय एग्जाम एज पर द टीचर्स हायरिंग प्रोसेस इफ़ यू हैव मोर देन सिक्सटी परसेंट दैन यू आर एलिजिबल तो ऐसे मेंसन कर देना ठीक है आप लोग में से जिसका भी स्कोर सिक्सटी परसेंट जाता है आप लोग सभी ट्राई कर सकते हो ये करना और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मान लो कि वीडियो देखने के बाद हंड्रेड लोग कर रहे तो हंड्रेड लोग के पास भी अपडेट्स आएंगे नहीं केवल एक से दो या तीन या पांच लोगों के पास मैक्सिमम देखने को आ सकते हैं उससे ज्यादा देखने को नहीं आएंगे ठीक है तो उसके बाद आपको फ्रेंड जब आप लोग ये करना आपके पास एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगा देन आफ्टर यू हैव टू वेट एटलीस्ट टू डेज एंड आफ्टर दैट आइदर दे विल कॉल यू दे विल मेल यू और एल्स यू आर गेटिंग योर नेक्स्ट स्टेप अपडेट पोर्टल ओवर हर तो ये आपका चेंज हो जाएगा ये लास्ट ऑप है।, है, तो है ही ठीक है तो रिजेक्शन के बाद क्या करना है ऑलरेडी बना चुका हूं फिर मैं कवरअप करूंगा अगर आप प्रोजेक्ट हो चुके हो टीचर्स से तो आप लोग कैसे जो है क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किए हो लाइक सिक्स मंथ का विदाउट फुलिंग दिक्कस हायरिंग एंड नेक्स्ट अनाउंस द नेक्स्ट हायरिंग फॉलो करना आप लोगों के काफी हेल्प इसमें देखने को मिलेंगे कि कुछ भी डाउट से आपको कमेंट पूछ लेना ठीक है लेकिन मैं आपको अगेन रिपीट कर दूँ पेड एंडी से हायरिंग काफी कम होती है बट मैंने जो आपको बताया आप लोग एक बार फॉलो करते देखो कुछ नहीं करने से कुछ करना बेटर होता है तो यू कैन ट्राई माई दिस टिप्स एंड ट्रिक्स देखो क्या होता है नहीं होता आप लोग मुझे कमेंट जरूर बताना कुछ डाउट से कमेंट में पूछ लेना मिलते दूसरे वीडियो में जय हिंद जय जै भारत